ओके तो भाई कुछ ज्यादा ही भर के अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इसलिए मैं कोई इंट्रो भी नहीं दे रहा हूँ, सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नटालिया के बारे में। भाई मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ नटालिया को, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो के अंदर नटालिया को क्रिटिसाइज करता हूँ। भाई रिसेंट टाइम में नटालिया ने जो रिकॉर्ड बनाया सच में बहुत ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड है, मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, सच में मुझे पता भी नहीं। और आपको भी शायद इस चीज का भरोसा नहीं हो, पर नटालिया ने 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया। मतलब भाई सच में पूरे WWE हिस्ट्री के अंदर में भी कोई ऐसा रेसलर नहीं होगा जिसने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में 6-6 बार अपना नाम दर्ज किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने कौन कौन सा रिकॉर्ड बनाया। नटालिया WWE हिस्ट्री के सबसे ज्यादा मैचेस रेसल करने वाली रेसलर, सबसे ज्यादा मैचेस विन करने वाली रेसलर, साथ ही साथ सबसे ज्यादा पेपर व्यू के अंदर भी रेसल करने वाली रेसलर, सबसे ज्यादा रेसलमेनिया के अंदर अपीयरेंस करने वाली भी रेसलर, साथ ही साथ मंडे नाइट और स्मैकडाउन दोनों के ऊपर सबसे ज्यादा अपीयर होने वाली रेसलर भी नटालिया ही। भाई आज से मैं बिल्कुल भी पॉइंट नहीं बोलने वाला हूँ कि ब्रेट हार्ट का नाम मिट्टी में मिला दिया नटालिया, भाई बहुत कमाल का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। वैसे आपको याद ही होगा कल के मंडे नाइट रॉ पर हमें रिया रिप्ले और नटालिया के बीच में मैच भी देखने को मिला था, जो कि मैच काफी कमाल का था। और भाई करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग WWE के इंटरनल वाले जो लोग हैं काफी ज्यादा हैप्पी हैं इस मैच को लेकर। वैसे कल के वीडियो के अंदर मैं आपको बताया था मुझे नहीं पता रियल है या फेक, रिया रिप्ले के मुंह से यहाँ पर ब्लड निकल रहा था, और भाई एक्चुअली वो ब्लड रियल था। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो भी पोस्ट किया रिया रिप्ले ने इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्टिन थ्योरी के बारे में, जिनके बारे में मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि सेमस को फेस कर सकते हैं समर स्लैम के अंदर। भाई रिसेंट टाइम आप लोग देख सकते हो एक और रेसलर का नाम निकलकर सामने आ चुका है, जो कि हमारे एले नाइट। तो आपको समर स्लैम के अंदर ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस सेमस का मैच देखने को मिल सकता है, या फिर ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस एले नाइट का मैच देखने को मिल सकता है। भाई ये बात मैं अगेन आपको 200% कंफर्म बता रहा हूँ, चाहे जिसके साथ मैच हो ऑस्टिन थ्योरी अपना चैंपियनशिप हारने वाले समर स्लैम के अंदर, ये बात कंफर्म है। वैसे एले नाइट के बारे में भी रिसेंट टाइम में बहुत बड़ा रिपोर्ट निकलकर सामने आया, और डेमेल जरी इस बात को बताया कि एले नाइट आपको बहुत ही जल्द वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं। एक्जेक्टली कब वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, पर हाँ मेरे ख्याल से अगले साल तक ये बन जाएंगे। वैसे अगर आपको नहीं पता तो आज अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे, तो इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे लोग अपने सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी WWE रेसलर सब पोस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटिस्टा के तरफ से भी पोस्ट निकलकर सामने आया, साथ ही साथ लाना के तरफ से भी निकलकर सामने आया। भाई कमाल की बात है कि जब मैंडी रोज ने इससे रिलेटेड जब इंस्टाग्राम के ऊपर फोटो डाला तो इंस्टाग्राम वाला इनका फोटो को ही हटा दिया वहां से। मतलब आप लोग समझ सकते हो मैंडी रोज ने किस तरह का फोटो डाला होगा। वैसे भाई नेक्स्ट अपडेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको सारे रेसलर का लिस्ट बताने वाला हूं जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला अगले साल WWE कंपनी के अंदर या फिर AEW कंपनी के अंदर। सबसे पहले WWE रेसलर के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कितने रेसलर का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। सबसे ऊपर एजे स्टाइल है, एलेक्सा ब्लेस है, एंजेलो डॉकिंग्स है, बैकी लिंच है, बिगी है, बुच है, इसके आगे डेना ब्रुक है, ड्रू मैकइंटायर है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप आगे भी लिस्ट देख सकते हैं, कोफी किंगस्टन है, मोंटास फोर्ड है, मुस्तफा अली है, रैंडी ऑर्टन, रिकोस है, सेथ रॉलिंस है, सैमी ज़ेन है, इसके आगे वेट वैरेट और जेवियर वुड है। तो भाई आप लोग देख सकते हो WWE के अंदर करेंट टाइम में करीब 15 रेसलर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला अगले साल। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर AEW रेसलर का भी लिस्ट देख सकते हो, अंद्रादे है, डैनियल ब्राइन है, क्रिश्चियन केज है, इथन पेज है, किथली है, साथ ही साथ यंग बक्स, MJF, पॉल वेट और साथ ही साथ कैनी ओमेगा और टोनी भी है। तो भाई आप लोग ऐसा समझ लो कि अगले साल एक मेला लगने वाला है जिसके अंदर बहुत सारे रेसलर को टोनी खान खरीदने वाले हैं, बहुत सारे रेसलर को हमारे विंस मैकमैन खरीदने वाले हैं। एक्चुअली हमें 2024 के अंदर बहुत सारे रेसलर एक दूसरे कंपनी के अंदर जाते हुए दिखने वाले हैं, क्योंकि भाई करीब मैंने आपको बताया 25 से ज्यादा रेसलर फ्री एजेंट होने वाला है दोनों कंपनी को मिलाकर। नेक्स्ट बात करते हैं डेवन प्रीस्ट के बारे में, जो कि फ्यूचर के अंदर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं। डेवन प्रीस्ट अगर वर्ल्ड चैंपियन बन गए तो फर्स्ट पुर्तोरिकन होंगे जो कि एक्चुअली वर्ल्ड चैंपियनशिप बेल्ट जीता हो। आप देख सकते हैं 50 साल पहले करीब पेड्रो जो थे वो वर्ल्ड चैंपियन बने थे, उसके बाद कोई भी नहीं बना WWE का। तो मे बी WWE वाले इनको अपॉर्चुनिटी दे भी सकते हैं जिस तरह से इंडिया के अंदर जिंदर महल और खाली को मिला। आप लोग ये चीज को कंफर्म ही मान लो कि मे बी आपको फ्यूचर के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए आपको दिखने वाले हमारे डेवन प्रीस्ट। वैसे भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा चैंपियंस बेल्ट सिर्फ एक WWE वाले के पास, आखिर वो कितने लोग को दे पाएंगे, क्योंकि रोमर है जो पॉल है तो भाई 3-3 चैंपियंस बेल्ट लेकर एकदम साइड में खड़े हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले स्मैकडाउन के बारे में, जो कि शो बिल्कुल ही फुल होने वाला है, सारे के सारे टिकट बिक चुके हैं अगले स्मैकडाउन का। आप लोग यहाँ पर रेसल टी की तरफ से अपडेट भी देख सकते हैं, सिर्फ 18 टिकट बचा हुआ है जो कि मेरे ख्याल से अभी तक सेल भी हो चुका है। भाई अगला स्मैकडाउन जो ट्रैवल चिप का जो कोट लगने वाला सच में बहुत कमाल का होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी टिकट वगैरह भी सारा चीज सोल्ड आउट हो चुका है यहाँ पर। मुझे नहीं पता ये चीज हो गया या फिर नहीं होगा, पर मुझे जो लगता है उसोस के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा अटैक करने वाले रोमर इस स्मैकडाउन को, क्योंकि रोमर इसका ऑलरेडी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुका है, अगर इसे रिकवरी करना तो उनको अटैक करना पड़ेगा बहुत बुरा। नेक्स्ट बात करते हैं मिस के बारे में, जो कि रिसेंट टाइम में रिकॉर्ड बना दिया, और भाई मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है इनका रिकॉर्ड बताने में। अगर आप लोग को नहीं पता तो मिस पिछले 200 दिन से WWE के अंदर एक भी मैच के अंदर विन नहीं किया। मतलब आप लोग समझ सकते हो करीब 6 महीने से ज्यादा मिस कम्पीट कर रहे हो, एक भी मैच के अंदर सिंगल मैच के अंदर विक्ट्री नहीं मिला है मिस को। यार मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। डबल ग्रैंड स्लैम चैंपियन है मिस, डबल ग्रैंड स्लैम चैंपियन, मतलब मैं क्या बोलूं यार। मतलब WWE वाले इन रेसलरों को इतना गंदा बुक करे, मतलब 6 महीने तक एक भी मैच नहीं विन करना, मतलब क्या बोले यार। अब आप लोग को जो भी बोलना है कमेंट्स में बता सकते हैं। करेंट टाइम में टोमासो चैंपा के साथ इनका रेवेल्यू चल रहा है, मे भी उसके अंदर भी मिस हारेंगे ही हारेंगे। वैसे मैं चैनल के ऊपर एक वीडियो भी लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कौन कौन सा रेसलर को WWE वाले एक रेसलर से जॉबर बना दी है। वैसे अगले साल रेसलमेनिया 40 को लेकर 2 प्लान निकलकर सामने आया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले रेसलमेनिया फर्स्ट नाइट को मेन इवेंट हमारे गुंथर करने वाला, जो कि एक्चुअली रॉयल रंबल विन करने वाला, और सेकंड नाइट को रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट वही बंदा रोमन रेंस के साथ करेगा, जो कि एलिमिनेशन चैंबर मैच
के अंदर विक्ट्री लेगा। मतलब सिंपल डब्ल्यू वाले अगले साल इलिमिनेशन चैंबर के अंदर नंबर वन कंटेंडर के लिए मैच रखने वाले, जो भी इस मैच के अंदर नंबर वन कंटेंडर बनेगा वो रोमन रेंज को रेसलमेनिया के अंदर फेस करेगा। वैसे करंट टाइम में दो नाम सबसे ज्यादा निकलकर सामने आया, सबसे पहले हमारे सोलो सिकोवा है, सेकंड हमारे कोडी रोड्स है, जो कि रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन रेंज के साथ मेन इवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूई कंपनी का ऑल टाइम सबसे बेस्ट अचीवमेंट के बारे में, जिन्होंने इस साल अचीव किया। अभी करंट टाइम में 2023 का 7 मंथ हो चुका है, डब्ल्यूई वाले पूरे डब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर कभी भी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं किए। मतलब डब्ल्यूई वालों के लिए 2023 जो साल रहा है डब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल साल रहा है, क्योंकि जितने भी पेपर व्यू है 2023 के अंदर सारे पेपर व्यू ने ऑल टाइम सबसे बेस्ट रिकॉर्ड बनाया है। भाई आप लोग देख सकते हो डब्ल्यूई कंपनी कितना ज्यादा ग्रो कर रही है, मेरे ख्याल से इसके पीछे क्रेडिट सबसे ज्यादा रोमन रेंज को जाता है। वैसे मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा कि थोड़ा सा स्टोरी लाइन के ऊपर भी तुम लोग ध्यान दे दो। नेक्स्ट बात करते हैं बैकी लिंच के बारे में, जिनके बारे में थोड़ा सा बैड न्यूज निकलकर सामने है। करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैकी लिंच डब्ल्यूई कंपनी से ऑफ लेते हुए दिख सकते हैं। करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैकी लिंच का जो समर स्लैम के अंदर जो मैच होने वाला ट्रिश स्टेटस के अगेंस्ट, ये उनका लास्ट मैच होने वाला है, और उसके बाद बैकी लिंच काफी लंबा छुट्टी के ऊपर जाने वाले, मे बी 1 या 2 या फिर 3 मंथ का छुट्टी लंबा लेने वाली है। और मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो भाई काफी अच्छा होगा, क्योंकि करंट टाइम में बैकी लिंच का करेक्टर बहुत ज्यादा बोरिंग भी हो गया। वैसे आपके लिए गुड न्यूज ये कि हमारे ट्रैवल चिप रोमर इज नहीं जाने वाले छुट्टी के ऊपर, क्योंकि करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग समर स्लैम के बाद जो पेबैक पेपर व्यू होने वाला उसके अंदर हमारे ट्रैवल चिप रोमर इज आने वाले, उसके अंदर मैच के अंदर कंप्लीट करने वाला। आपको पता है हमारे ट्रैवल चिप रोमर इज का मैच ब्रे वाइट के साथ रोमर, अब देखना ही होगा क्या ये मैच होता है या फिर नहीं होता। वैसे रोमर इज समर स्लैम के बाद भी रहने वाला, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं डीन एम्ब्रोस के बारे में। भाई ये बंदा क्या है मुझे समझ नहीं आता, आखिर क्यों रेसलिंग वर्ल्ड के करंट टाइम में सबसे बेस्ट रेसलर इनको कहा जाता है। देख सकते हैं रिसेंट टाइम में इनका मैच हुआ था, भाई क्या ये पूरा स्टिक ही अपने हेड के ऊपर इन्होंने घुसा लिया है। मतलब भाई सच में जिस तरह का परफॉर्मेंस करंट टाइम में डीन एम्ब्रोस दे रहे हैं, ऐसा परफॉर्मेंस कोई भी नहीं दे सकता है। और हाँ, डीन एम्ब्रोस रोमर है जैसा नहीं जो कि ब्लड कैप्सूल खाकर उसके बाद मुंह से ब्लड निकाले, ये रियल होता है एक्चुअली। AEW के अंदर जो फाइट होते हैं या फिर जो ब्लड होते हैं एक्चुअली रियल होता, तो भाई कितने कमाल का ये रेसलिंग करते हैं यार, सच में मतलब सैल्यूट है यार इनको। वैसे इनका कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं खत्म होने वाला, ये 5 साल तक AEW कंपनी के अंदर ही रहने वाला है। भाई मेरे ख्याल से डीन एम्ब्रोस का पूरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था WWE कंपनी छोड़कर जाना। अगर आज AEW के अंदर रहते तो अभी भी ये रोमर रेंज के पीछे ही घूमते रहते। नेक्स्ट लोग बात करते हैं AEW फ्रैक्शन के बारे में, जिसके बारे में एक छोटा सा अपडेट है मैं आपको बता देता हूं। करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा रूमर निकलकर सामने आ रहा है कि AEW फ्रैक्शन के अंदर आपको एक और न्यू मेंबर आपको ऐड होते हुए दिख सकता है। वैसे मेरे ख्याल से जब से डॉम के साथ इनका रिवलरी खत्म हुआ, ये फ्रैक्शन बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं रहा, मे बी फ्यूचर के अंदर काफी अच्छा ये कर। वैसे ट्रिश स्टेटस जो मास्क लगाई थी रॉ के ऊपर वो कोई फेक मास्क नहीं था, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्चुअली इनको बहुत ज्यादा इंजरी है। वैसे इनका इलाज वगैरह चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नेचर भी दिखाई हो बैकी लिंच के लिए। वैसे भाई मुझे लगा था 15 साल पहले ये काम की थी, पर आप देख सकते हैं 19 साल पहले एक्चुअली ये काम की। तो आप लोग देख सकते हैं ट्रिश स्टेटस स्टील अभी WWE कंपनी के अंदर वर्किंग है। मतलब भाई कितने कमाल की रेसलर, ऐसे नहीं इनको ग्रेटेस्ट फीमेल रेसलर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। वैसे डॉम कितने बदमाश आप देख सकते हैं इसके अंदर, सिंस्का नाकामुरा फ्लाइंग किस देते हैं रियर रिप्ले को, उस फ्लाइंग किस को निकाल कर फेंक देते हैं सिंस्का नाकामुरा के ऊपर। भाई सच में डॉम का जो करेक्टर करेंट टाइम WWE के अंदर, वो सच में वन ऑफ द बेस्ट हील वाला करेक्टर है। वैसे मैं शॉर्ट्स वीडियो के अंदर लोगन पॉल को सबसे ज्यादा बुक किए जाने वाला रेसलर उस मामले में कहा था, जिसको ऑडियंस WWE कंपनी के अंदर देखना नहीं चाहता। ओवरऑल अगर आप लोग देखो तो सबसे बेस्ट हील करेक्टर करंट टाइम में डॉम ही प्ले कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा डॉम के ऊपर एक बहुत अच्छा ट्रिब्यूट वीडियो भी लाने वाला। नेक्स्ट बात करते अपने 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सिना के बारे में, जिनको आपने लंदन के अंदर देखा मनी इन द बैंक के अंदर, पर वहां ये क्यों आए थे इसके पीछे का रीजन निकलकर सामने आ चुका है। करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग WWE वालों को अनाउंस करना था कि रेसलमेनिया 40 होने वाला लंदन के अंदर, इसलिए यहां पर जॉन सिना को बुलाया गया। WWE वाले ऐसे ही सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करके इस बात को बता देते कि हाँ नेक्स्ट रेसलमेनिया लंदन के अंदर करवाने वाले, तो ऑडियंस उतना हाइप नहीं होता, इसलिए WWE वालों को सबसे बेस्ट ऑप्शन यहां पर लगा जॉन सिना को बुलाओ, जॉन सिना इस बात को खुद से अनाउंस कर। सच में इनका सेगमेंट काफी बेस्ट भी था, रोमन रेंज के मैच के बाद सबसे ज्यादा व्यू एक्चुअली इसी सेगमेंट के ऊपर आया है। नेक्स्ट बात करते अपने बिल गोल्डबर्ग के बारे में, रिसेंट टाइम में टेडी लॉन्ग ने अपने पॉडकास्ट के अंदर इस बात को रिवील किया कि गोल्डबर्ग को मैच करना चाहिए ब्रेट हार्ट के साथ। आपको पता है गोल्डबर्ग के गलत किक की वजह से ब्रेट हार्ट का पूरा कैरियर खत्म हो गया, तो इनके बीच में कितना कॉन्ट्रोवर्सी हुआ, उससे रिलेटेड टेडी लॉन्ग का ये मानना कि इन दोनों का फाइट अगर हो जाए तो सारा मामला सुलटा जाएगा। भाई मैं तो यही बोलूंगा कि गोल्डबर्ग के साथ फिर से फाइट करने मत आजियो ब्रेट हार्ट, नहीं तो तुम्हारा ईश्वर पूरा जिंदगी ही ले लेगा। मैं आपको बता रहा हूं करंट टाइम में दो ही लोग रूमर है जिसका मैच हो सकता है, सबसे पहले हमारे रायबैक है, सेकंड हमारे हैं स्टिंग। आई डोंट नो कब इनका मैच होता, पर रिसेंट टाइम में रायबैक तो भाई भर भर के गाली दे रहे हैं WWE कंपनी को पॉडकास्ट के अंदर। वैसे मैं छोटा सा अपडेट आपको कोडी रोड्स के बारे में बता दे रहा हूं, 14 जुलाई का जो स्मैकडाउन को शो होने वाला उसके अंदर कोडी रोड्स पहले से एडवर्टाइज हो चुका है। आपको इस वीक के बाद वाला जो स्मैकडाउन को शो देखने को मिलेगा उसके अंदर आपको कोडी रोड्स देखने को मिलने वाले। भाई ब्रैंडी रोड्स को WWE वाले क्यों नहीं बुला रहे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे आज शाम को समर स्लैम के सारे मैचेस का प्रेडिक्शन वाला वीडियो आ जाएगा, तो भाई सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना, भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।